भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक डी के मिश्र जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है कि गायत्री मंत्र का जप कर्मठ गुरु में लिखे हुए विधि के अनुसार करें या गुरु जी ने जो दे दिया सो दे दिया उसी में वही करें। मिश्रा जी, आपने थोड़ी ध्यान दिया हो कि गायत्री मंत्र मात्र यज्ञोपवीत काल में ही दिया जाता है, चाहे जब वो मंत्र नहीं दिया जाता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों का, तीनों को ब्रह्मचारी बनते हैं और तब वह गुरु को, गुरुजी पूरा यज्ञोपवीत करके फिर यज्ञोपवीत काल में ही दिया जाता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जप का विधान है, कब करना चाहिए? जब आप प्रतिदिन संध्या करेंगे तो तीन काल की संध्या, प्रातः काल और दोपहर की संध्या और सायंकाल की संध्या में, तीनों कालों में गायत्री मंत्र का जप करना का विधान है। संध्या बिना गायत्री मंत्र जप के नहीं मानी जाती पूर्ण, इसका एक तो ये तात्पर्य हुआ। तो गायत्री मंत्र का जप आपको करना है तो मात्र संध्या करके ही गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, चाहे जब आप बैठे हैं, चाहे जहां बैठे हैं और माला में हाथ लिया और गायत्री मंत्र जप करने लगे, कुछ नहीं, ना आचमन, ना प्राणायाम, ना सूर्योपस्थान, ना आपने सूर्यार्घ दिया, ना आसन शुद्धि की, ना अघमर्षण मंत्र आदि बोला, तो इसके लिए नहीं है। इसके लिए सिर्फ भगवान का ही नाम होता है। गायत्री मंत्र इतना विलक्षण है कि आप थोड़ा विचार करेंगे, स्वामी कर्पात्री जी महाराज ने रामायण मीमांसा में प्रारंभ में कहा कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है, जब वो 1,000 जहां से शुरू होता है, जहां से प्रारंभ होगा तो त से शुरू होगा, और जैसे ही दूसरा 1,000 शुरू होगा तो दूसरे ता से, तीसरे 1,000 शुरू होगा तो सा से, चौथा 1,000 शुरू होगा तो वी से, ऐसे पूरा 24 अक्षर के गायत्री मंत्र में वाल्मीकि रामायण है, इसलिए उसमें 24,000 मंत्र है। प्रत्येक 1,000 के 1,000 जब श्लोक हो जाते हैं तो गायत्री मंत्र का एक अक्षर प्रारंभ होता है। यह है गायत्री का महत्व। दूसरी इससे भी बड़ी बात, श्रीमद् भागवत भी गायत्री मंत्र का ही अर्थ है। गायत्र्यर्थो निरूपितः, गायत्री अर्थ है। वैद्यनाथ झा जी जो इस समय गोलोक धाम को पधार गए हैं वृंदावन धाम के, उन्होंने तो लिखा है कि ये गायत्री मंत्र ही पुरुषोत्तम राधा कृष्ण है, ये राधा कृष्ण का ही मंत्र है। तो गायत्री मंत्र बहुत विलक्षण और व्यापक है, ठीक है। अब इसको जानने के बाद अब ये सोच लीजिए, जब आप संध्या करने बैठेंगे तब सूर्यार्घ देने के पश्चात जब गायत्री उपस्थान करके गायत्री मंत्र करेंगे, फिर आप 1,000 जपे, 10,000 जपे, वो अलग बात हो गई। किंतु श्रीमद् देवी भागवत के 12वें स्कंद के अंत में गायत्री पुरस्चरण की विधि लिखी हुई है और उसमें गायत्री सहस्र नाम भी लिखा हुआ है, और आश्चर्य करेंगे आप, आ से लेकर के और ज्ञा तक के अक्षरों तक है, यहां तक कि ग से या से कोई श्लोक प्रारंभ नहीं होते, लेकिन उसमें ग से या से ण से भी उन्होंने गायत्री का नाम लिया है, जबकि यहां से किसी का नाम नहीं होता। यकारादि
गकारादि का खा ग घा ग और ळकार आदि किसी का न भी नहीं होता, लेकिन वो भी गायत्री का है। इसलिए गायत्री पुरस्चरण एक अनुष्ठान है। गुरु जो मंत्र देते हैं वो मंत्र है और जो विधि है वो शास्त्रों के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए आपका जो प्रश्न है कि जो करवट गुरु में लिखी हुई विधि है इसके अनुसार करें कि गुरु जी ने जो दिया है बस लिया, नहीं, गुरु तो मंत्र ही देते हैं और विधि भी बताते हैं, लेकिन तस्मात् शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसकी सन्निधि में करना चाहिए, चाहे आप मंत्र करें, चाहे कोई यज्ञ करें, चाहे कर्म करें, इन सब का विधान शास्त्रों में होता है। इसलिए शास्त्राज्ञा के अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार, अधिकार के अनुसार ही मंत्रों का जप फल देता है। इसलिए गुरु मंत्र देते हैं लेकिन विधि शास्त्र देते हैं। इसलिए पुरस्चरण करना हो तो विशेष विधि है। आप रोज 1000 गायत्री जपते हैं तो वह तो एक नियम है, लेकिन पुरस्चरण, पुरह चरण, चरण शब्द का अर्थ है पाद। 24 लाख गायत्री विशुद्धानंद सरस्वती इत्यादि महापुरुषों ने की है, बहुत लोगों ने की है। इसलिए गायत्री पुरस्चरण और अनुष्ठान पूर्वक किया जाने वाला मंत्र जप प्रयास क्या होना ही चाहिए, शास्त्रों की विधि के अनुसार ही करना चाहिए। और जो लोग बिना विधि के करते हैं, जब मंत्र का जप करना हुआ तो ध्यान रहे, भगवान के नाम लेना है आपको तो जरूर तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाव को भाव अलख आलस हो। आपको आलस भी आ रहा हो तो जब आई आ रहे हो राम 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 राम, तो भगवान का नाम लेने के लिए नहीं। लेकिन भगवान के नाम का यदि पुरस्चरण करना होगा तो उसकी विधि शास्त्र के अनुसार ही करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बात हो गई। अब नाम, भगवान नाम में क्या है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशु सेवत सादर समर करेशु। तो आप कभी भी कहीं भी, इसलिए परिक्रमा लगा रहे हैं लोग, माला जप कर रहे हैं। हमारे वृंदावन में तो माला में हाथ रहता है, हरे राम कर रहे हैं, जो भी नाम है। तो ये जो भगवान के नाम में तो सब सब दिन कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, किंतु गायत्री मंत्र है और काम्य मंत्र अर्थात कामना के अनुसार जो मंत्र है, दुर्गा सप्तशती इत्यादि में लिखे हुए मंत्र है, इनका अनुष्ठान शास्त्रों में लिखे हुए तंत्रों आगमों के अनुसार ही करना चाहिए। और मात्र माला लेकर के जप करने से उसका फल प्राप्त नहीं होने वाला। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।